हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का गुडविल पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। अब हम उसी की प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको मेरे भेजे गए क्वेश्चन की फाइल में क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है। इट सेज XYZ तीन पार्टनर थे 5, 4 और 1 के रेशियो में। अब उन्होंने डिसाइड करा कि आगे से उनका रेशो 3-3-4 हो जाएगा। तो दोस्तों XYZ किस रेशो में पार्टनर थे, 5-4-1, दैट वाज दियर ओल्ड रेशो। आगे से क्या डिसाइड कर रहे हैं, रेशो क्या हो जाएगा, 3-3-4, दैट विल बिकम दियर न्यू रेशो। और आज के दिन कह रहा है हमें गुडविल गिवन है 1 लाख रुपीज। ऑब्वियसली ये गुडविल पूरी फर्म की है, दुकान की गुडविल है 1 लाख, इसके ऊपर हक भी तीनों का है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की ट्रीटमेंट करने के लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी है। हमें पता है बेटा ये गुडविल इनकी पास्ट एफर्ट्स का रिजल्ट है जिस पे ये हकदार थे अपने 5-4-1 के रेशो में। लेकिन अब रेशो बदल जाने के कारण इनकी एंटाइटलमेंट यानी इनका मालिकाना हक चेंज हो गया। तो हमें यह देखना है इस चेंज से किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान हुआ। जिसको जितना अननेसेसरी गेन हो रहा है, आई रिपीट, जिसको जितना अननेसेसरी गेन हो रहा है उससे पैसे लेके जिसको जितना अननेसेसरी लॉस हो रहा है हम उसको दे देंगे। इसके लिए अभी हमने देखा हम सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो एक्स। दोस्तों हमारे एक्स का ओल्ड रेशो क्या था, 5/10। 10 कहाँ से आया, 5 + 4 = 9 + 1 = 10। ऐसे ही वाई का था 4/10 और जी का था 1/10। इनका न्यू रेशो क्या है दोस्तों, 3-3-4, टोटल किया 10 बना, इट मींस 3/10, 3/10, 4/10। एलसीएम लोगे बच्चों 10 आया, 5 - 3, 2/10। ऐसे ही दिमाग लगाएंगे, पहले 5 मिलते थे अब 3 मिलने लग गए। तो रेशो बदलने से फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हुआ इट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइस। 10, 4 - 3, इसको भी 1 कम मिल रहा है, सेक्रीफाइस। 10, 1 - 4, ये नेगेटिव में आ रहा है 3/10, नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, इट विल बी कॉल्ड एज गेन। कि पहले 1 रुपये मिलता था अब 4 रुपये मिलने लग गए, तो अल्टीमेटली 3 का फायदा। तो हमने देखा टोटल सेक्रीफाइस बिकम्स 3/10, टोटल गेन बिकम्स 3/10। इसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, गेनर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। हमारा गेनिंग पार्टनर कौन है, जी। तो एंट्री विल बिकम जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो जिसने गेन करा था उसको डेबिट कर दिया, जिन्होंने सेक्रीफाइस करा उनको क्रेडिट। पैसे कैसे भरोगे, जी का गेन कितना है, 3/10। तो पूरी फर्म की गुडविल देखी, पूरी फर्म की गुडविल है 1 लाख, जी का गेन है 3/10 विच मेक्स इट 30,000। एक्स को देखें, एक्स का सेक्रीफाइस है 2/10, तो 1 लाख का 2/10 विच मेक्स इट 20,000। इसी तरीके से वाई को देखें, 1 लाख रुपीज पूरी गुडविल थी, इसका सेक्रीफाइस है 1/10 मीन्स 10,000। यानी हम जी से 30,000 ले लेंगे, उसमें से 20 एक्स को दे देंगे और 10 वाई को। तो जिसको अननेसेसरी गेन हुआ उससे वो पैसे वापस लेके एक्स और वाई को दे दिए गए। क्लियर है दोस्तों। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ोगे तो हमें कहता है
चारू और दिनेश, जिनको मैं सी और डी के रूप में रेफर करूंगा, चारू और दिनेश यानी सी और डी पार्टनर थे 3:1 के रेशो में। आगे से उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट्स को बांटा करेंगे 3:2 के रेशो में। तो दोस्तों ओल्ड रेशो उनका गिवन था, न्यू रेशो आपको गिवन था। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमें गुडविल भी कैलकुलेट करके दे रखी थी, आज हमें गुडविल कैलकुलेट नहीं करके दे रखी। कहता है आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2.5 ईयर परचेज। तो यहां से हमें पता चला कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड अपनाना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुड, एवरेज प्रॉफिट मेथड से दोस्तों गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आज हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज सीधा सीधा गिवन है 2.5, 2.5 है ना, लड़ाई किसकी रह गई, एपी की। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते थे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपको बेटा 4 साल का एवरेज लेने को बोला है, 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, उनको आप टोटल करोगे विच इज 60,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 120 अपॉन 4, इट विल बिकम 120 अपॉन 4, 80,000 रुपीज। तो दोस्तों हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 80, इसको पुट करा 2.5 ईयर परचेज, तो एक गुडविल आई दोस्तों 2 लाख। पिछले क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके दे रखी थी, वहां 1 लाख गिवन थी, आज आपने कैलकुलेट करी ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, गुडविल आ गई 2 लाख। फिर वही देखेंगे कि ये गुडविल तो रिजल्ट है हमारी पुरानी एक्ट्स का, पुरानी एंटाइटलमेंट्स का, तो हम थे इसमें पार्टनर 3:1 में, बट आज से हम क्या रेशो फॉलो करना चाहते हैं, 3:2। तो पहले हम ये देखेंगे रेशो बदलने से किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान। इसके लिए हमने देखा वी कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो दोस्तों सी का ओल्ड रेशो था 3:4 और डी का ओल्ड रेशो था 1:4, न्यू क्या है 3:5, 2:5। इसको देखे बेटा एलसीएम ले लोगे 20, सॉल्व करोगे ये आया 3:20, पहले 15 मिलते थे अब 12 मिल रहे हैं, यानी इसके शेयर में कमी आई, इट बिकम्स सेक्रीफाइस। इसको सॉल्व करो 20, पहले 5 रुपीज मिलते थे अब 8 मिल रहे हैं, तो 3 का फायदा हुआ, इट बिकम्स गेन। ये चीज दोस्तों ध्यान रखनी है कि हमेशा टोटल ऑफ सेक्रीफाइस टोटल ऑफ गेन के बराबर आना चाहिए। तो हमारे यहाँ गेन कौन कर रहा है, डी गेन कर रहा है और सी सेक्रीफाइस, तो एंट्री विल बिकम गेनिंग पार्टनर यानी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, किस प्रोपोर्शन में, 3:20। तो दोस्तों पूरी फर्म की गुडविल थी 2 लाख, डी का गेन है 3:20, इसको सोल्व करोगे बिकम्स 30,000। सी की बात करें, पूरी फर्म की गुडविल है 2 लाख और सी का सेक्रीफाइस है 3:20, सोल्व करोगे बन जाएगी 30,000। इसका मतलब डी से 30,000 ले लेंगे जो मेरा गेनिंग पार्टनर है और सी को दे देंगे जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ताकि उसको अपने सेक्रीफाइस के बराबर पैसे मिल जाएं और जो इफेक्ट पड़ा गुडविल पे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है टॉपिक। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट आपको भेज रहा हूं, वो आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, जब स्कूल खुलेंगे हम आते के साथ ही आपके वो असाइनमेंट चेक करेंगे। थैंक यू।